जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल PCS दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक का जून 2024 का है, ठीक है ना दोस्तों। यह जो होने वाली है टॉपिक नंबर हम लोग बता दें दोस्तों, यह चौथी क्रम की है, ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर है ये टॉपिक नंबर हमारा। इससे पहले मैंने तीन टॉपिक करा दिया, यदि आप नहीं देखें दोस्तों जो जरूर से ज़रूर देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है प्रतियोगिता दर्पण जून 2024 है, ठीक है। वो देखिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम सारे के सारे ये इस बुक को जो है कंप्लीट करने वाले, एक एक पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हम लोग इसमें से, ठीक है दोस्तों। लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले पूरे के पूरे। तो आपको बताएं दोस्तों, राष्ट्रीय घटनाक्रम मैंने यह जो है करा चुका हूँ तीसरे सेशन में, और दूसरा जो सेशन था हम लोग का क्या था दोस्तों, तो वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसको हम लोग स्मरणीय तथ्य के नाम से। और जो पहला हमारा था दोस्तों वह था सार संग्रह, क्योंकि ये तो पता ही है दोस्तों सार संग्रह में कितने 130 क्वेश्चन होते हैं। वो मैंने फर्स्ट में कराया था, सेकंड में स्मरणीय तथ्य, और थर्ड में राष्ट्रीय घटनाक्रम, और फोर्थ में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, फोर्थ हम लोग का होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो अभी होने वाला है, ठीक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो देखिए, जो पहला मेरा सेशन था दोस्तों सार संग्रह, मैंने करा दिया है 130 के 130 क्वेश्चन। और दूसरा सेशन था हम लोग का स्मरणीय तथ्य, जिसको मैंने एडिट करके दूसरे पेज पर ले गया था इसी क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है ना। और उसके बाद जो है तीसरी हमारी थी राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब चौथे हम लोग करने वाले हैं आज, जो होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। तो देखिए इसमें प्रश्न और टॉपिक क्या बनता है हमारा, कह रहा है अमेरिका जो है वीटो के चलते फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं पूरे डिटेल्स के साथ। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, बोल कह रहा है कि अमेरिका वीटो के चलते फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। देखिए इसके बारे में जानते हैं, फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने का प्रस्ताव अप्रैल 2024 में एक बार पुनः उस समय रद्द हो गया जब 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में अमेरिका के वीटो के कारण यह आगे न बढ़ सका। सुरक्षा परिषद में इसके लिए जो है अल्जीरिया द्वारा लगाए गए प्रस्ताव पर 18 अप्रैल को हुए मतदान में 12 मत जो है फिलिस्तीन के पक्ष में पड़े, जबकि 2 सदस्यों ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने मतदान में भाग नहीं लिया। किंतु अमेरिका द्वारा वीटो कर दिए जाने के कारण यह प्रस्ताव जो है खारिज हो गया। ऐसा माना जा रहा था कि गाजा में हुई तबाही को देखते हुए अमेरिका इस बार जो है प्रस्ताव पर वीटो नहीं करेगा, किंतु अमेरिका अपने पुराने विचार पर ही अड़ा रहा। इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए संयुक्त राष्ट्र में जो है अमेरिका के उप अस्थायी प्रतिनिधि जो है US डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड, इनका नाम क्या है रॉबर्ट वुड, ने कहा है कि फिलिस्तीन को UNO की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने के लिए सही तरीका इसराइल व फिलिस्तीन में सीधा बातचीत है, जिसमें अमेरिका व अन्य सहयोगी देश भी मदद करेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों में सीधा बातचीत के जरिए समाधान होना चाहिए। इस मामले में अमेरिका द्वारा वीटो पावर के इस्तेमाल की प्रशंसा करते हुए इसराइल ने जहां कहा कि एक सर्वनाक प्रस्ताव रद्द हुआ, आतंकवाद को पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन अथॉरिटी जो बोला है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए क्या है इसमें कि फिलिस्तीन को विश्व के लगभग 140 देशों ने एक देश के रूप में मान्यता दी हुई है, ठीक है, तथापि अभी तक यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण सदस्य नहीं बन सका है। इसराइल ने 1947 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो गई थी। यह दूसरा अवसर है जब संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने का फिलिस्तीन का प्रस्ताव रद्द किया गया है। इससे पहले 2011 में इसके लिए प्रस्ताव फिलिस्तीन ने किया था। फिलिस्तीन को इस वैश्विक संगठन में गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक का दर्जा जो है 2012 में प्रदान किया गया था। यह दर्जा फिलिस्तीन को इस संस्था की कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति तो प्रदान करता है, किंतु वह UNO में लाए गए प्रस्ताव पर मतदान का अधिकार प्रदान नहीं करता है। फिलिस्तीन के अतिरिक्त
वेटिकन सिटी को यह दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ में प्राप्त है। गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है फिलिस्तीन को। अगला पॉइंट क्या बनता है, तो इजराइल व ईरान इन दोनों के बीच बढ़ रहे तनाव से एक और युद्ध की आहट आ रही है ईरान और इजराइल के बीच में। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। विश्व अभी रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजराइल संघर्ष के झटकों से उबरा नहीं है कि ईरान इजराइल के बीच ताज़ा टकराव ने एक और युद्ध की आहट से विश्व को चौंका दिया है तथा जिसकी आहट मात्र ने वैश्विक कारोबार कच्चे तेल के मूल्य मुद्रास्फीति एवं विकास पर अपना प्रभाव जो है प्रतिकूल प्रभाव शुरू कर दिया है। इस नए संकट की शुरुआत जो है सीरिया की राजधानी दमिश्क से हुई है। 1 अप्रैल को ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर जो है इजरायली एयर स्ट्राइक जिसमें 3 ईरानी कमांडर मारे गए थे से हुई मानी जा रही, मतलब इससे शुरू हुई मानी जा रही है। ईरानी दूतावास पर हुए हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर व अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हुए संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने कहा है कि उसके पास निर्णायक जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है। ईरान के साथ साथ रूस, इराक, जॉर्डन, ओमान, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित मुस्लिम देशों ने ईरानी दूतावास पर हुए इस हमले की निंदा की थी। इस तरह छोटे मोटे हमले एक दूसरे के विरुद्ध पहले भी होते रहते थे। बदले की भावना से ही ईरान ने 13 अप्रैल को देर रात ड्रोन्स व मिसाइलों से हमले इसराइल पर किए। इसराइल पर सीधे तौर पर किए गए ईरान के इस हमले में ईरान की ही 300 से अधिक मिसाइलें व ड्रोन्स को मार गिराने का दावा इसराइल ने किया है। इसके साथ ही बदले की कार्यवाही के तहत ईरान के कई शहरों में मिसाइल से हमले इसराइल ने 17 अप्रैल को किए, विशेषतः ईरान के न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर को निशाना इन हमले में बनाया गया है। एक दूसरे पर हमला कि इस घटना के बीच जो है मुंबई आ रही एक इजरायली कार्गो शिप को जो है समुद्री कानून तोड़ने के आरोप में ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बताया ये सब। तेरह अप्रैल को जो हार्मुज की खाड़ी में अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है, 13 अप्रैल को क्या किया था दोस्तों, गार्ड्स ने 13 अप्रैल को हार्मुज को खाड़ी में अपने कब्जे में ले लिया था। इस पोत के चालक दल में जो है 17 भारतीय थे, 17 भारतीय भी हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से बात की। चालक दल में शामिल रही एकमात्र महिला सदस्य बाद में 18 अप्रैल को सुरक्षित मुंबई पहुँच गई। ईरान व इसराइल के बीच चल रहे ताज़ा तनाव में विश्व भर में चिंता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ईरान द्वारा इसराइल पर किए गए हमले की निंदा अमेरिका व सहयोगी राष्ट्रों ने की है। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस मामले में धैर्य अपनाने को ही इसराइली प्रधानमंत्री नेताहून से कहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस ने ईरान द्वारा इसराइल पर किए गए हमले के कारण तनाव में गंभीर वृद्धि की कड़ी निंदा की है और आगाह किया है कि न तो क्षेत्र और न ही विश्व एक और युद्ध बर्दाश्त कर सकता है। अगला पॉइंट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के विभिन्न सहायक निकायों के चुनाव में भारत की सफलता। देखिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद ECOSOC इकोस्क के 17 सहायक निकायों में रिक्त पदों को भरने के लिए चुनाव 9 अप्रैल 2024 के कराए गए। चुनाव में भारत को भारी सफलता प्राप्त हुआ। भारत को 2025 से लेकर 2029 के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग 2025 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक्सक्यूटिव बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड आदि निकायों के लिए जो है चुना गया है। भारत की जगजीत पवाड़िया
भारत के जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में 2025 से 30 के लिए 5 वर्ष के लिए लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए इस चुनाव में चुना गया है। इसके लिए हुए गुप्त मतदान में सुश्री पवाड़िया को 53 में से सबसे अधिक 41 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को 30 ही मत मिले हैं। बोर्ड की इन 5 सीटों के लिए कुल 24 उम्मीदवार थे। ज्ञातव्य है कि 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग ऑर्गन्स में से एक है, जो कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार आदि से संबंधित गतिविधियों के से संबंध है। इसके 17 सहायक निकायों के चुनाव में भारत की व्यापक सफलता के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र स्थित भारत मिशन व विदेश मंत्री की टीम की है। अगला पॉइंट है इसमें कि वर्ष 2023 अब तक का सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की फाइल रिपोर्ट के आधार पर यह 2024 में रिकॉर्ड्स पर जो है उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बीते वर्ष 2023 अब तक के सबसे गर्म वर्ष माना जा गया है। विभिन्न एजेंसियां ने जनवरी 2024 में ही किए थी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है यह भी बताया है अपने अंतिम आकलन ऐसी भावना व्यक्त किया है कि मार्च 2024 में जारी किया गया इस फाइल में देखा गया है और पुष्टि किया गया कि इस संगठन की जो है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की है कि 2023 रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें वैश्विक औसत सतत तापमान जो है पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से है। यानी कि सीधे से बात तौर पे कहना है कि 2023 जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहा है, सारे एजेंसी और कंपनी संस्थानों ने बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो भूख की स्थिति के बीच जो है विश्व में भोजन की बर्बादी UNDP की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है ना। तो देखिए विश्व में आए स्तर के साथ साथ खाद्य उत्पाद में भी पर्याप्त वृद्धि के बावजूद खाने की बर्बादी के कारण सभी लोग को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है तथा विश्व भर में 78.3 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। इसका विस्तृत आंकलन जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की मार्च 2024 में जारी की रिपोर्ट में बताया गया है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट शीर्षक से वर्ष 2024 की यह रिपोर्ट जो है शून्य बर्बादी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले 28 मार्च को विश्व भर में जारी किया गया है और यह शून्य बर्बादी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इससे पहले 28 मार्च को विश्व भर में यह जारी किया गया है। 2024 की इस रिपोर्ट में 2022 के आंकड़े के आधार पर बताया गया है। तो जानते हैं हम लोग इसके आंकड़े क्या था। वर्ष 2022 में विश्व भर में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद किया गया था। कब? 2022 में, यह रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार खाने की बर्बादी में अमीर व गरीब देशों में से कोई भी पीछे नहीं है। इसमें बताया गया है कि गाँव के लोगों की तुलना में शहर लोग ज़्यादा खाना बर्बाद करते हैं। इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि गांव के लोगों एक बार से ज़्यादा खाना नहीं लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बचा हुआ खाना वह अपने पालतू कुत्ते और जानवरों को खिला देते हैं। दूसरा क्या है पॉइंट कि मुद्रा मूल्य में देखा जाए तो पर्यावरण कार्यक्रम की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में $1 ट्रिलियन का खाना बर्बाद किया गया है। भारतीय रुपये मूल्य में यह मूल्य जो है 84 लाख करोड़ के बराबर था। आते हैं अगला रिपोर्ट क्या है कि 2022 में बर्बाद किए गए खाना 1.05 बिलियन टन खाना खाने के लिए उपलब्ध कुल खाने का 19% था। रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट किया गया 1.05 बिलियन खाने का 60% अर्थात लगभग 63.1 करोड़ टन खाना परिवार के द्वारा और 29 करोड़ टन फूड सर्विस के द्वारा और 13 करोड़ टन खाना रिलेट सेक्टर के द्वारा बर्बाद किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति 79 किलो खाना बर्बाद किया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है दोस्तों खाना, है ना। अगला पॉइंट है क्या कि भारत के
के संबंध में 2024 में इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश में भूख से प्रभावित जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक होने के बावजूद भारतीय परिवार इस वर्ष में 78.2 मिलियन टन खाना बर्बाद करते हैं। इस प्रकार देश के प्रति व्यक्ति लगभग 55 केजी खाना के प्रति वर्ष बर्बाद कर जाता है। भारत में भी भोजन की बर्बादी शहरों की तुलना में गाँव में कम रिपोर्ट बताई गई है। वर्ष 2022 में दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी सबसे कम भूटान में 19 केजी प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष तथा सबसे अधिक मालदीव में 200 केजी प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष बताई गई है। इससे कम पाकिस्तान में 130 केजी प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है और अफगानिस्तान में 127 केजी प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। अगला पॉइंट बनता है, इसमें क्या है, तालिका दिया है दोस्तों, दक्षिण एशिया देशों में 2022 में पारिवारिक स्तर पर उपलब्ध किए गए प्रति व्यक्ति बर्बादी भोजन। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में है दोस्तों मालदीव, सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में मालदीव है, उसके बाद पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, तब है भारत का स्थान, उसके बाद है भूटान। खाने की बर्बादी के मामले में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वर्ष 2024 की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट की इस तहत दूसरी रिपोर्ट है। ऐसी पहली रिपोर्ट 2021 में जारी हुई थी, इसमें 2019 के बर्बादी के भोजन का आकलन दिया गया था। 2019 में भी वही था, तो 2019 के बारे में उतना नहीं जानना है आपको। चलिए अगला देखते हैं, रूस के हैवी लिफ्ट जो है रॉकेट अंगारा A5 की सफल उड़ान भरी है। देखिए रूस को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बल प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी सफलता अप्रैल 2024 में उस समय मिली है जब अपने भारी भरकम अंगारा A5 रॉकेट को उड़ान की सफलता पूर्वक संपूर्ण किया है। रूस के सोवियत काल के प्रोटोकॉल सोवियत काल के प्रोटॉन M रॉकेट का स्थान लेने के लिए विकसित किए गए हैं। इस भारी भरकम रॉकेट की सफल उड़ान जो है सुदूर पूर्व वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से 11 अप्रैल 2024 को संपन्न की गई है। इस रॉकेट की तीसरी उड़ान थी, इसकी पहली उड़ान दो उड़ानें क्रमशः 2014 और 2020 में हुई थी, अभी हुई है 11 अप्रैल 2024 को। आगरा परियोजना की शुरुआत रूस में 1991 में की गई थी। अंगारा परियोजना की शुरुआत कब की थी 1991 में, ठीक है। अंगारा का जो नामकरण साइबेरिया की एक नदी के नाम पर रखा गया है। 11 अप्रैल 2024 की परीक्षण उड़ान के द्वारा टेस्ट लोड की लो ऑर्बिट में स्थापित किया गया। 773 टन वजन के इस भारी भरकम रॉकेट के द्वारा लगभग 24.5 टन पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है। 11 अप्रैल को सफल उड़ान के पहले दो बार 9 और 10 अप्रैल को तकनीकी कारण से इनकी उड़ान स्थगित कर दी गई थी। अंगारा A5 जो है रूस की महत्वाकांक्षी हैवी लिफ्ट रॉकेट है। यह आने वाले वर्षों में रूस के प्रोटॉन M रॉकेट का स्थान लेगा। रूस का रक्षा मंत्रालय भी इस परियोजना में शामिल है। केवल रूस निर्मित उपकरणों का प्रयोग इसमें किया गया है, यानी रूस का यह स्वदेशी निर्मित है ना। अगला है पॉइंट क्या, किर्गिस्तान में बसे दुबई में वर्षा का कहर क्लाउड सीडिंग से प्रशासन का जो है इनकार कर दिया है। देखिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि सूखे रेगिस्तान के साथ साथ अत्याधुनिक गगनचुंबी इमारतों, खूबसूरत शहरों एवं वैभवशाली अर्थव्यवस्था आदि के लिए विख्यात संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर व बहरीन आदि देशों में अप्रैल 2024 के मध्य में हुई भीषण वर्षा ने न केवल आम जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है, बल्कि 15 अप्रैल की साय में शुरू भीषण वर्षा को देखते देखते तूफान का रूप ले लिया था तथा 24 घंटे के भीतर दुबई में ही इतनी पानी ने बरसा जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। वर्षा के कारण कई लोगों ने अपनी जान जहां गंवाई, वहीं हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सड़कों व मॉल्स सब जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा था। विश्व के सबसे खूबसूरत शहर में
गिने जाने वाले दुबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा तथा बड़ी संख्या में यात्री यहाँ के तहाँ फंस गए। भारत व दुबई के बीच संचालित कम से कम 30 हवाई उड़ानें रद्द कर दी गई। 75 वर्ष में पहली बार इतनी रिकॉर्ड वर्षा जो है संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज की गई है। यूएई के ओमान की सीमा से लोग एक शहर अल अन में 254 मिलीमीटर मतलब 10 इंच वर्षा 24 घंटा में दर्ज की गई है। यह जो है 1949 में जब से रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं के बाद सबसे अधिक वर्षा बताई गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम इन देशों में उठाए गए हैं। रेगिस्तानी इलाकों में वर्षा यदा कदा ही होने के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था भी इन देशों ने नहीं होती है। समुचित व्यवस्था जो है इन देशों में नहीं होती है तथा अत्यधिक शहरीकरण के कारण नमी को सोखने के लिए हरित क्षेत्रों को भी वहाँ कमी है। व्यापक स्तर पर हुई वर्षा के लिए प्राकृतिक से छेड़छाड़ की बातें विश्व भर में उठी है तथा कृत्रिम वर्षा के लिए वहाँ कराई जाने वाली क्लाउड सीडिंग को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। यदि अधिकांश वैज्ञानिकों ने यह संकट के पीछे क्लाउड सीडिंग होने का इनकार कर दिया है। क्लाउड सीडिंग होता क्या है इसके बारे में जानिए। तो क्लाउड सीडिंग के बारे में आप जानिएगा। क्लाउड सीडिंग ऐसी तकनीक है जिसके तहत सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड मुख्यतः सिल्वर आयोडाइड आदि पदार्थों को विमानों की मदद से बादलों में छिड़का जाता है और इनके कणों के संपर्क में आते ही बादल की भाप ठंडी होकर वर्षा की बूंदों में बदल जाती है तथा वर्षा की स्थिति अंततः इन कृत्रिम तरीकों से उत्पन्न होती है ना। खाड़ी के देशों के अतिरिक्त चीन, अमेरिका व भारत सहित विश्व के लगभग 60 देश जो हैं कृत्रिम वर्षा के लिए इस तकनीक को विकसित कर चुके हैं। अगला पॉइंट है कि विश्व में हेपेटाइटिस संक्रमितों की संख्या जो है 25 करोड़ से अधिक। WHO की रिपोर्ट आई है। किसकी आई है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आई है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अभी तो बीती है, 7 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। विश्व में हेपेटाइटिस के प्रकोप व इससे होने वाली मौतों की संख्या आदि के संबंध में ताज़ा रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अप्रैल 2024 में विश्व हेपेटाइटिस सम्मेलन के अवसर पर जारी किया है। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के शीर्ष में जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पहचान व उपचार के बेहतर तरीकों की खोज व उनकी घटती हुई कीमतें के बावजूद विश्व में हेपेटाइटिस के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में 187 देश से प्राप्त किए गए आंकड़े के आधार पर बताया गया है। तो देखिए, हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की संख्या जो है 2019 का उतना नहीं करके बट 11 लाख याद रखिए, 2022 की 13 लाख है ना अनुमानित की गई लगभग, और 3500 लोग की मृत्यु प्रतिदिन हेपेटाइटिस के कारण होती है। इसके बावजूद रिपोर्ट में आशा व्यक्त किया गया है कि उपयुक्त कदम उठाने पर 2030 तक इस रोग से उन्मूलन के लक्ष्य के प्राप्त किए जा सकते हैं। 2022 में देखा जाए तो यह जो था दोस्तों 13 लाख मौत, जिसमें 83% हेपेटाइटिस बी के कारण और 17% हेपेटाइटिस सी के कारण मृत्यु हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आंकड़े 2022 का ही बताया गया, इसमें 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हुए। 2024 में बताया गया है कि 2019 के नए पीड़ितों की संख्या 25 लाख थी, 2022 में 2.2 लाख, और इसी प्रकार विश्व में 6000 से भी अधिक लोग प्रतिदिन हेपेटाइटिस के शिकार होते हैं। रिपोर्ट ने बताया गया है कि 2022 में पीड़ित 22 लाख लोग में से 12 लाख हेपेटाइटिस बी का तथा 10 लाख लोग हेपेटाइटिस सी के शिकार बने हैं, है ना। अब भारत में बताए दोस्तों, 2022 के बारे में ही दिया गया इसमें, तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा संक्रमित लोग हो रहे हैं इसमें। अभी बता दें कि WHO मतलब स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि यह रिपोर्ट चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस संक्रमण रोकने में विश्व स्तर पर प्रगति होने के बावजूद मौतों की संख्या बढ़ रही है। इनकी बड़ी वजह यह है कि बहुत कम पीड़ितों की रोग का निदान
हो पा रहा है ना। और 2030 तक WHO उन्मूलन लक्ष्य पहुंचाने का संभव किया है कि 2030 तक जो है ये ख़त्म हो जाएगी, है ना। ये WHO की रिपोर्ट के तहत बताया गया है। अगला पॉइंट बनता है हम लोग का कि पेरिस ओलंपिक खेल के शुभारंभ जो है 100 दिन पूर्व ओलंपिक फ्लेम लाइटिंग सेरेमनी ओलंपिया में संपन्न हुआ है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं हम लोग दोस्तों कि पेरिस में जो होने वाली है ओलंपिक खेल के लिए उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। इन खेलों का शुभारंभ जो है 26 जुलाई 2024 को होनी है। ओलंपिक खेलों की जो है परंपरा के तहत इन खेलों से 100 दिन पहले ग्रीस में ओलंपिक खेलों के लिए प्राचीन स्थल ओलंपिया एक समारोह का आयोजन हेलेनिकी ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है, जिसे सूर्य के किरणों से ओलंपिक मशाल जलाई जाती है। इसी परंपरा के तहत पेरिस ओलंपिक खेल की शुभारंभ 100 दिन पहले ओलंपिया में एक अनुष्ठान में ओलंपिया मशाल 16 अप्रैल 2024 को जुलाई जलाई गई थी, है ना। 16 अप्रैल 2024 को जलाई गई थी। बादल होने के कारण, सूर्य के किरणें उपलब्ध न होने के कारण जो है वैश्विक तरीके से जो ग्रीक अभिनेत्री जो है मैरी मीना ने इसे जलाया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष थॉमस बाक की अध्यक्षता में हुई ओलंपिक फ्लेम लाइटिंग सेरेमनी में ग्रीस की राष्ट्रपति कौन है, कैटरीना सेकेला रोपोलू भी उपलब्ध थी। ग्रीस की राष्ट्रपति भी उपलब्ध थी। ओलंपिक मशाल के प्रज्वलन के साथ ही मशाल की यात्रा शुरू हो गई और ग्रीस के विभिन्न शहरों के बाद भूमध्य सागर को पार करते हुए फ्रांस में मार्सिले यह पहुंची। 8 मई 2024 से पूरे फ्रांस की इसकी यात्रा होगी और 26 जुलाई को पेरिस में यह ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में यहां पहुंच जाएगी और खेल के समापन होने पर इसे बुझाया जाएगा। ओलंपिक मशाल जो है प्राचीन व आधुनिक ओलंपिक खेलों के बीच जुड़ाव का एक कड़ी मानी जाती है। तो वैसे हम लोगों ने यह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी कंप्लीट किया। और फिर हम लोग मिलते हैं अगला सेशन जो है हम लोग का क्या दोस्तों, तो आर्थिक प्रादृश्य, ठीक है ना। आर्थिक प्रादृश्य में मिलते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद।